नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में आज जो आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ यह अप्रेंटशिप की लेकर आया हूँ देखो भाई कुछ विभाग ऐसे हैं जिन पर जो है मेरा फोकस रहता है उनमें से एक विभाग हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है ये भी अच्छा विभाग है लेकिन आप लोगों को एक सजेशन है आप जीवन में किसी भी विभाग से किसी भी जोन से अप्रेंडशिप करते हैं तो आप वहाँ के ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कीजिए जिन्होंने पहले वहाँ पर अप्रेंटशिप की हुई है या फिर जिनकी अप्रेंटशिप चल रही है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर हम यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो हमें लाभ होगा या हानि होगी हमें एक साल तक परेशान तो नहीं किया जाएगा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कंफर्मेशन निकालने के लिए अगर आप कर लेते हो तो वहाँ पर जो है आप लोगों का जो एक साल है वो अच्छे तरीके से गुजर जाता है मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पर आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है आप लोगों को सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन आप लोगों से मज़दूरी करवाई जा रही है तो ऐसी कंपनियों से प्लीज़ बच के रहें मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोगों को ऐसी जगह पर अप्रेंटशिप मिले यहाँ पर ये जो विभाग है एम बहुत अच्छा विभाग है मैं इसे बुरा कभी नहीं बोलूँगा देखो भाई नोटिस दिखाने से पहले आप लोगों को मैं जो है यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस दिखाऊंगा क्योंकि मुझे जमता नहीं है यार कि मैं जो बिना प्रूफ के आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर कर आऊँ मेरे प्रूफ ना दूँ तो अंदर से आवाज़ नहीं आती तो यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपडेटेड है पहले नंबर पर मैं लिंक इसका हमारी वाली साइट पर भी अपडेट कर दूँगा डब्ल्यू डब्ल्यू वहाँ से भी आप इससे प्राप्त कर लेना और मैं जो है इस जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने जो है ये ओपन हो जाएगा पूरा नोटिस इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट्स भी और जो आई के हैं वो भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे बुरी लगी कि यहाँ पर जो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपके एजुकेशन मध्य प्रदेश से कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो इस वीडियो को यहीं के यहीं स्किप कर दो क्योंकि आप जो है अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करो मैं यहीं आपसे चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस स्टेट से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है वहाँ की वैकेंसी आप जो है देखें और यहाँ पर एक एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ और यहाँ थोड़े से ना लोगों से बच के रहो यार गलत इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है कई लोगों को देखा वीडियोस में, में मेंशन कर रहे थे कि हर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर कर सकता है इसके लिए तो थोड़ा सा बच के रहे रिक्वेस्ट है आप लोगों से गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिले चाहे मैं भी दूँ तो मुझे भी रोको हर किसी को रोको यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है डिप्लोमा अप्रेंटिस हैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा मेन फोकस मेरा रहेगा आई टी तो यहाँ पर फिटर के लिए इन्होंने पचास पद निकाले हैं और यहाँ पर जो है वेल्डर के लिए कैटेगरी वाइज देख लेना एक बार आप लोग मैं नो उस पर जा रहा हूँ टोटल पे वेल्डर के लिए पच्चीस इलेक्ट्रिशियन के लिए पचास मशीनिस्ट के लिए पंद्रह जो आपका ड्रोट्समैन सिविल होता है उसके लिए इन्होंने दस निकाली है टनर के लिए पाँच है और जो आप लोग का उपकरण यांत्रिकी होता है इसके लिए दस है डीजल मैकेनिक के लिए पंद्रह कोपा वाले बच्चों के लिए दस टोटल मिला के 190 इन्होंने पोस्ट निकाली है आगे हम बढ़ते हैं आगे इन्होंने जो डेट रखी है ऑनलाइन अप्लाई करने की बहुत लंबा समय है लगभग एक महीना है सोलह तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म जल्दबाजी मत करना क्योंकि फॉर्म इसका अप्रेंटिसिप पोर्टल से ही फिल होगा और अगर आपको नहीं पता अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो हमने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है साइबर कैफे नहीं है एरिया में तो हमें आप रिक्वेस्ट दे हमसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें हैं प्लीज़ इनको केयरफुली पढ़ें तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आई वाला जो पार्ट है इस पर फोकस कर रहा हूँ जो आपका शासकीय अशासकीय यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो आपका औद्योगिक प्रशिक्षण है यानी आई या एन सी दोनों से अप्लाई कर सकते हैं पात्रता उम्मीदवार किसी भी इस स्थापना संस्था से इससे पूर्व अप्रेंडशिप है तो अगर पंजीकरण किया हुआ है अप्रेंडशिप की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते आगे यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा तो यहाँ पर जो है इन्होंने बोला कि आवश्यक निर्देश निर्देश जो है इसके आवेदक समय समय पर अपनी जो है ये वाली साइट को चेक करते रहे अपने ईमेल चेक करता रहे क्योंकि यहीं पे इंफॉर्मेशन मिलेगी अब इन्होंने जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया दिया है वो अप्रेंटशिप डॉट ओ वाले पोर्टल से दिया आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई करेंगे जो आपका अप्लाई करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर सब चीज़ इन्होंने इसी तरीके से बताया हुआ है तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अपने अप्रेंटिसिप पोर्टल हंड्रेड परसेंट करके रखना पड़ेगा बिना उसके काम नहीं चलेगा और हंड्रेड परसेंट प्रोफाइल हम आपकी कंप्लीट करते हैं बताइए कैसे करते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं आपकी हंड्रेड परसेंट प्रोफाइल कम्प्लीट करवाने के लिए आरक्षण और आयु में छूट कुछ दे रखी है इसे आप देख लेना वैसे मिनिमम अट्ठारह साल एज है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं एक छः दो हज़ार इक्कीस के बेस पे और मैक्सिमम पच्चीस साल है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एज के बेस पे ठीक है समझ गए होंगे इस ए इस डेट पे आपकी एज अट्ठारह से कम नहीं होनी चाहिए और पच्चीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चैन प्रक्रिया मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर जो है आप लोगों का और भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है जो इसमें स्टाइफेंड है वो स्टैफेंट कितना मिलेगा आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का स्टैफेंट है इतना आप लोगों को दिया जाता है आई वालों को आठ हज़ार पचास रुपये मंथली दिया जाएगा एक वर्ष की जो आई है उनको सात हज़ार सात सौ दिया जाएगा ठीक है तो दो वर्ष वालों को आठ हज़ार पचास रुपये दिया जाएगा जो इन्होंने कुछ और भी क्राइटेरिया दे रखा है इसे देखिए आप आवेदन कैसे करें आवेदन आप लोगों का अप्रेंटशिप पोर्टल से ही जो है स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप लोगों का मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं इसे जो है अप्रेंटिसिप पोर्टल पर जा सर्च कर सकूँ लेकिन मिलने में थोड़ी कठिनाई हुई हो सकता है कि इन्होंने अभी डेटा फ्लोट नहीं किया होगा तो जैसे ही अप्रेंटिसिप पोर्टल पर वैकेंसी रिफ़्लेक्ट होने लग जाती है मैं आप लोगों के लिए फ़ॉर्म की वीडियो लेकर आ जाऊंगा चाहे वो कल हो परसों हो चाहे उसके अगले दिनों कभी भी जैसी रिफ़्लेक्ट होती है स्टेप बाय स्टेप आपको फ़ॉर्म की वीडियो मैं बता दूंगा आई उम्मीदवार है तो आवेदन प्रक्रिया ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है ये इन्होंने अप्रेंटिसिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का क्राइटेरिया दे रखा है तो इससे भी आप फॉलो कर सकते हैं और जो हमने वीडियो दे रखी है उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आगे बढ़ते हैं आगे और भी इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ वही बता रखा है कि कैसे अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है अप्लाई किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं होगा जो आप लोगों का अप्रेंटिसिप डॉट ओ आर जी वाला पोर्टल है उसी से होगा अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो कल मैं इन लोगों को फ़ोन करूंगा और इन लोगों से कंफर्म करूंगा कि फ़ॉर्म क्यों नहीं आप लोगों ने अपडेट किया तो जैसे ही वो लोग अपडेट करते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा बाकी धन्यवाद कि पिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बैलाइकन दबा के रखो और अभी बहुत सारी नौकरियाँ आप लोगों के लिए आने वाली है खबरें मिली जा रही है तो जैसी आती है आप लोग को बताऊँगा आर्मी वाला फॉर्म फ़िल कर लो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर्म की वीडियो तैयार है उसका भी फॉर्म फिल करना दसवीं पास वैकेंसी है हर स्टेट से उस वैकेंसी का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं धन्यवाद बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मैंशन करो और चैनल को सब्सक्राइब करके कर कर रखो ठीक है थैंक यू